हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स तरह का यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ निखिल राज प्रोहित, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो तुम्हारी केवीएस पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी आई है उसके अंदर कितनी पोस्ट है, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या उसका सिलेबस है, क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, और तुम्हें उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और हम शॉर्ट टाइम में इन पॉइंट्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसकी जो केवीएस पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट लास्ट इसका एग्जाम जो वो 2018 में हुआ था, है ना। और इसके लिए अभी तुम्हारी वैकेंसी निकली है फिजिक्स के अंदर, पीजीटी फिजिक्स के अंदर 135 सीट की, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो हमारे पॉइंट क्या रहने वाले हैं कि क्या इसके अंदर चेंज हुआ है, इसके पेपर पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, इंटरव्यू में इंटरव्यू क्या इसका होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने मार्क्स का होगा और कैसे होता है इंटरव्यू, एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड क्या है कि तुम इसकी एग्ज़ाम डेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी तैयारी करनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तुम्हारी इस पेपर की तैयारी के लिए, और हाउ टू मैनेज बोथ पार्ट्स, कि ऐसा नहीं है कि तुम एक पार्ट में महारत हासिल करके पीजीटी एग्जाम निकाल लोगे, नहीं, तुम्हें दोनों पार्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। दोनों पार्ट मैं कहूँ तो पहला पार्ट तुम्हारा जनरल पार्ट होता है जिसमें तुम्हें हिंदी, इंग्लिश, पैडागोजी सब आते हैं, और सेकेंड पार्ट तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो तुम्हें दोनों पार्ट कैसे मैनेज करने हैं, और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, रिसेंट जो मैंने एग्जाम दिए एज टेट पीजीटी फिजिक्स मैंने क्वालिफाई किया, राजस्थान के अंदर भी जो आरपीएससी पीजीटी होता है वो भी एग्जाम मैंने रिसेंटली दिया, काफ़ी अच्छा रहा और उससे भी एक गुड रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो मुझे वहाँ से क्या सीखने को मिला, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, ये सारे पॉइंट अपने कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पहले क्या था कि 150 क्वेश्चन आते थे, 150 मिनट होती थी, 70 क्वेश्चन तुम्हारे जनरल पार्ट के रहते थे, है ना, जनरल पार्ट के रहते थे, और जो 80 क्वेश्चन है वो तुम्हारे रहते थे फिजिक्स वाले पोर्शन के, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारे 2.5 घंटे का तुम्हारे पास टाइम होता था, पर अब से क्या होने वाला है कि तुम्हें 180 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर, 180 क्वेश्चन में मिलेंगे, एग्जाम होगा तुम्हारा सीबीटी मोड पे, और नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और जो तुम्हें इसके अंदर टाइम मिलेगा वो मिलेगा 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट में तुम्हें 180 क्वेश्चन करने रहेंगे, तो तुम मान सकते हो कि अप्रोक्सीमेट 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास होगी। और इसके अंदर तुम्हारा जो दो पोर्शन बन गया, पार्ट ए बन गया 80 क्वेश्चन का, उसके अंदर तुम्हारा हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर और सीडीपी रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और 100 मार्क्स के अंदर तुम्हारे फिजिक्स का पोर्शन रहेगा जिसमें तुम्हारे अप्रोक्सीमेट 16 टॉपिक दिए गए हैं जो तुम्हारे 11th के रहेंगे, 12th के रहेंगे, और कुछ टॉपिक तुम्हारे कह सकते हो 5 से 10% बीएससी के भी रहेंगे। पर इसमें ध्यान रहे कि जो तुम्हारे 11th 12th के टॉपिक 11th 12th के होंगे पर उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो पीजी लेवल तक का आएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, E=mc² पूछ लिया जाएगा, नहीं, तुम्हें अच्छा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी उन टॉपिक्स की, ठीक है, तभी तुम एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसके अंदर पहली बात करते हैं इंटरव्यू। देखो इसके अंदर क्या होने वाला है कि 180 का तुम्हारा रिटर्न रहने वाला है, ठीक है, और 60 मार्क्स का तुम्हारा होने वाला है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अंदर भी दो पार्ट होंगे तुम्हारे, 30 मार्क्स का तुम्हारा जनरल क्वेश्चन आंसर राउंड होगा जिसमें तुम्हारा प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाएगा, तुमने कभी पीएचडी वगैरह के इंटरव्यू दिए होंगे या किसी और चीज़ का इंटरव्यू दिया होगा, तो वहाँ जो है जैसा इंटरव्यू होता है वो तुम्हारा जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन वाला इंटरव्यू होगा, उसके 30 मार्क्स रहेंगे, और जो दूसरा पार्ट है उसमें तुम्हारी डेमो टीचिंग होगी, ठीक है, उसके भी तुम्हें 30 मार्क्स रहेंगे। तो इंटरव्यू तुम्हारा टोटल 60 मार्क्स का होगा, और जो तुम्हारा रिटर्न है वो होगा 180 मार्क्स का, और जब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो 70:30 इस रेशियो के अंदर मार्क्स ऐड करके, 70 तुम्हारे रिटर्न से और 30 तुम्हारे इंटरव्यू से मार्क्स ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारी 135 पोस्ट है, तो इसके 3 times तुम सोच सकते हो कि इतने लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर तुम्हारा रिटर्न में तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हो, ठीक है, और इंटरव्यू तुम्हारा ठीक ठाक भी जाता है, तो काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे तुम्हारे सिलेक्शन के, ठीक है। अब देखो तुम एग्ज़ाम कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि केवीएस का पैटर्न है, केवीएस 3 से 4 months में एग्ज़ाम करवा लेता है, और मैंने भी कल टाइम लगा के इसका पेपर एनालाइज किया था, तो मुझे उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, वो भी मैं शेयर करूँगा अपकमिंग टाइम के अंदर। देखो तो इसके अंदर तुम्हें अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना चाहिए कि 4 months के अंदर तुम्हारी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, टाइम है तुम्हारे पास सफिशियंट, कोई बात नहीं है, ठीक है, बट तुम्हें इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है कि 1 अप्रैल को तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है, उसके बाद अगर ओवर टाइम मिलता है तो तुम
चीज़ों को, जो चीज़ें तुमने पढ़ी है, जो सब्जेक्ट कवर किए हैं, उन्हें और डेप्थ में पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। पर एक बार के लिए तुम 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। और इसके ये स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, ठीक है, तुम्हें वो दोनों पार्ट मैनेज कैसे करने हैं और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस कर रहे होंगे। देखो इसके अंदर तुम्हारे 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। इसको तुम्हें टुगेदर प्रिपेयर करना है। क्यों करना है ऐसा, तुम्हें क्यों करना चाहिए ऐसा? इसलिए करना चाहिए कि भाई कंपटीशन टाइम चल रहा है फिलहाल, ठीक है, अच्छा कंपटीशन होता है। तो तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है, तो वो फिजिक्स काफ़ी लोगों की अच्छी है, ठीक है। तो तुम अकेली फिजिक्स के दम पर सिलेक्शन नहीं दे सकते, तुम्हें सिलेक्ट होने के लिए फिजिक्स के साथ साथ जो तुम्हारा जनरल पार्ट है, ठीक है, जनरल पार्ट के अंदर तुम्हारा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, पैडागोजी है, इन सब पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम सिर्फ फिजिक्स प्रिपेयर करोगे 1 महीने, उसके बाद जनरल पार्ट तैयार करोगे, तो तुम काफ़ी पीछे रह जाओगे उन लोगों से जो एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा फिजिक्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और जनरल पार्ट तुम्हारा काफ़ी वीक रह जाए, या जनरल पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और फिजिक्स तुम्हारी वीक रह जाए। तुम्हें सारा सिलेबस कवर करना है टॉपिक बाय टॉपिक। सिलेबस के अंदर जो भी डिस्कस किया गया टॉपिक, हर टॉपिक तुम्हारा अच्छे से तैयार होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, तभी तुम सोच सकते हो कि तुम सिलेक्शन के आसपास जा पाओगे, ठीक है। क्योंकि तुम किसी भी पार्ट को छोड़ के जाओगे और ये सोचोगे कि तुम सिलेक्शन ले लोगे, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, शुड यू नीड टू बी टच नीट और जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन, कि तुम अगर फिजिक्स वाले पार्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या तुम्हें नीट और जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। जो कि मैं यूट्यूब पर काफ़ी मैंने वीडियो देखे, तो मैंने देखा कि काफ़ी टीचर ने सजेस्ट किया है कि तुम्हें नीट जेईई एडवांस लेवल तक जाना चाहिए, ठीक है। मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, पर मैंने KVS का कल पेपर देखा और STAT, PGT और RPSC स्कूल लेक्चर का भी अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, दोनों बढ़िया लेवल के एग्जाम थे इस बार। तो जो मैंने डिस्कवर किया उन दोनों को एग्जाम को देखे, मैंने जो देखा, तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम कहीं से भी वीडियो लेक्चर, अगर तुम्हारी थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर है या तुम सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, बढ़िया बात है, अगर नहीं कर सकते तो तुम कहीं से भी वीडियो लेक्चर का जो कोर्स परचेज करते हो, उनके वीडियो लेक्चर कंप्लीट करो, उसके बाद तुम असाइनमेंट और प्रैक्टिस अच्छे से करो। जो भी तुमने टॉपिक कंप्लीट किया, सपोज दैट फिजिक्स में तुम्हारी 16 टॉपिक है, तो तुम पहले जो भी टॉपिक है उसकी थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद उसका असाइनमेंट करो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो 40 से 50 क्वेश्चन की, उसके बाद उसका पार्ट वाइज टेस्ट दे दो, जो टॉपिक तुमने पढ़ा उसका टेस्ट अटैम्प्ट कर लो। उसके बाद ऐसे करते करते जब तुम 16 के 16 टॉपिक फिनिश कर देते हो, तो उसके बाद तुम एक अच्छी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगा लो। अच्छी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, जो तुम्हारे लिए क्या हो, रिलेवेंट हो, ठीक है। रिलेवेंट होनी बहुत जरूरी है चीज़ें। क्यों, तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम CSI नेट का प्रिपेयर कर रहे हो और तुम PGT एग्जाम निकाल दो। नहीं, CSI नेट का प्रिपेयर करने से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है फिजिक्स को लेकर, हायर लेवल फिजिक्स की तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। मतलब किसी को जो चीज़ अब 5 घंटे में समझ में आती है, तुम्हें वो शायद 1 घंटे में भी या उससे कम टाइम में भी समझ में आ जाए। पर ऐसा नहीं तुम कह सकते कि CSI नेट का पढ़ के तुम PGT फिजिक्स आराम से निकाल दोगे। नहीं, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि तुमने नेट का प्रिपेयर किया है, पर तुम्हें एक बार रिवाइज चीज़ें करनी ही पड़ेगी, प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जो तुम टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हो वो रिलेवेंट होनी चाहिए। मतलब उसका लेवल ना KVS से बहुत ज़्यादा ऊपर, ना KVS से बहुत ज़्यादा नीचे, अकॉर्डिंग टू KVS ही होना चाहिए। हाँ, KVS में अगर तुम सोच सकते हो कि इस बार 80 लेवल के क्वेश्चन थे पिछली बार, 80 अगर तुम लेवल कोई डिसाइड करो, तो इस बार तुम 100 लेवल तक प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। ये सब कुछ करो, उसके बाद फुल लाइन देने के बाद, ठीक है, 2 से 3 बार तुम रिवीजन कर लो, और याद रहे सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास बने हुए होने चाहिए, ठीक है। इतना सब करने के बाद तुमने 1 अप्रैल तक इतना सब प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम और बचता है, तो तुम नीट और जेई के क्वेश्चन उठा सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर तुम एकदम से हर टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करोगे कि तुम्हें नीट के लिए ही पढ़ना है या जेई के लिए ही पढ़ना है, तो तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, ठीक है। और कॉम्पिटिशन के अंदर ये मैटर नहीं करता कि किसकी ज़्यादा डेप्थ है या किसने कितना सीखा है। कंपटीशन के अंदर ये पहले मैटर करेगा कि जो सफिशियंट टाइम तुम्हारे पास था, क्या तुमने उसके अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट किया, कितना रिलेवेंट स्टफ तुम पढ़ के आए, जो उस पेपर से रिलेटेड है, ठीक है, वो तुम्हें सिलेक्शन देके जाएगा। और ध्यान रखना, कंपटीशन के अंदर सबसे पहले सिलेबस पढ़ने और बुक्स पढ़ने से पहले ये मैटर करता है कि तुमने पेपर को
कितने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो तुम 2 से 3 बार कम से कम प्रीवियस वाला पेपर देखना, तुम्हें पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, ठीक है। तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस और लर्निंग तुम्हारी होनी चाहिए, वही तुम्हें सिलेक्शन तक लेके जाएगा, ठीक है। मैंने भी जो प्रिपरेशन की थी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, तो वो मैंने 3 से 4 मंथ के अंदर की थी, ठीक है, 3 से 4 मंथ के अंदर की थी। और मैंने भी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए थे, नेट वगैरह, टीफर, भारत टेस्ट जितने भी होते हैं सारे। उसके बाद मुझे 3 और 4 मंथ बहुत बढ़िया पढ़ना पड़ा था, ठीक है। तो मेहनत बढ़िया करनी पड़ेगी, तुम बहुत आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया मेहनत लगने वाली है, ठीक है। पर ये वर्थ इट भी होगी, तुम्हारी जो केवीएस पीजीटी की तुम सैलरी की बात करो तो वो 80,000 तक होती है, तो वो तुम्हारी वर्थ इट भी हो जाएगी जितनी तुम मेहनत करोगे। तो बस यही था, आप थोड़ा सा पल्टन जो ऑफिशियल वेबसाइट है तुम्हारी उस पे जो पल्टन और जो सिलेबस दिया है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो इसके अंदर तुम्हारे साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है तुम्हारे 180 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट तुम्हें टाइम मिलेगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है, एमसीक्यू होने वाले हैं सारे। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज से तुम्हारे 20 मार्क्स आएंगे, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर के तुम्हारे 20 क्वेश्चन होंगे। और एजुकेशन और लीडरशिप से तुम्हारे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये तुम्हारे चाइल्ड और पैडागोजी वाला पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारा 100 मार्क्स किसके रहने वाले हैं, तुम्हारे 100 मार्क्स रहने वाले हैं और पीजीटी पार्ट के, मतलब फिजिक्स पार्ट के। और तुम्हारा यहाँ पे देखो प्रोफेशनल कंपिटेंसी टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारी डेमो टीचिंग रहेगी 30 मार्क्स की और इंटरव्यू रहेगा तुम्हारा 30 मार्क्स का। फाइनल मेरिट के अंदर वेटेज कितना रहेगा, 70-30 रहेगा, ठीक है। अब बात करें सिलेबस का डिस्कशन अगर हम करें तो देखो लिखा साफ साफ इसमें लिखा है कि 11-12 से रिलेटेड रहने वाला है, पर इसका इनका जो कॉन्सेप्ट के जो लेवल है वो कहाँ तक होना चाहिए, तुम्हारा पीजी तक होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक होना चाहिए, ठीक है। इसका तुम्हारा पहला चैप्टर हो जाएगा यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन, लव मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गया, फ्लड हो गया, थर्मल प्रॉपर्टी हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, परफेक्ट गैस हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया। ये जो तुम्हारा सिलेबस है, ये सिलेबस तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने अभी डाउनलोड किया था, केवीएस की वेबसाइट से। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, चाहे वो स्टीफन लॉ है, चाहे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, कोई भी टॉपिक है वो तुम्हें स्किप नहीं करना है, प्रत्येक टॉपिक तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो जो पार्ट तुम्हें टफ लगे या लगे ये पार्ट थोड़ा टफ है, उसमें से आप क्या करेंगे, आप इजी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और जब भी कोई टॉपिक को पढ़ो तो ये ध्यान रहे कि तुम उसे तुम्हारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से ना पढ़ो, उसे कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, वहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, और पॉइंट वाइज पढ़ो थोड़ा, ठीक है, और उस पर एक अच्छी प्रैक्टिस करो, तुम्हारी जो प्रैक्टिस होगी वो तुम्हें थ्योरी से ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। ओसिलेशन और वेव्स आ जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इसमें सारे आ जाएंगे, बायोसावर्ट लॉ वगैरह सारे, और तुम्हारा मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इंडक्शन वगैरह, अल्टरनेटिंग करंट, तुम्हारी ईएम वेव आ जाएगी, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे ऑप्टिक्स आ जाएगी, वेव ऑप्टिक्स आ जाएगी, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर आ जाएगा, एटम और न्यूक्लियर आ जाएगा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी। देखो तो इसके अंदर तुम्हारा ये जो सारा पार्ट है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा 11-12 का ही मोस्ट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, तुम्हारा मोस्ट ऑफ सिलेबस 11-12 का ही है, ठीक है। तो तुम्हें इस पर अच्छे से फोकस करना चाहिए कि 11-12 का जो सिलेबस है वही तुम अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक तुम अच्छे से पढ़ लेते हो, उसके असाइनमेंट कर लेते हो, उसके क्वेश्चन वगैरह कर लेते हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पीजीटी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और इसके इसके लिए फिजिक्स तड़का का अपकमिंग बैच भी रहेगा जो तुम आज से 2 से 3 दिन के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है, उसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, यूट्यूब पे ही हो जाएगा, तुम्हें देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी स्पेशल होगा जिसके अंदर तुम डिस्कस कर पाओगे डाउट। आई होप इस वीडियो के अंदर तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद भी तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो तुम मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। और मैं बस यही कहूँगा कि अब बिना टाइम खराब किए, बिना बहुत ज़्यादा सोचे,
इलेवन ट्वेल्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग और तुम्हारा के वी एस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके तुम्हारे अगर तुम्हारी इलेवन ट्वेल्थ की थ्योरी काफ़ी अच्छी है तो तुम्हें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, और तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी है तो तुम्हें एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स तड़का की भी टेस्ट सीरीज आ जाएगी कुछ ही दिनों में, तुम देख रहे होगे ये अनाउंस हो रही होगी टेस्ट सीरीज वगैरह, बैच वगैरह, नोट्स वगैरह। पर तुम प्रिपरेशन जहाँ से भी करो, ठीक है, खुद पे बिलीफ रख के करना कि तुम कर सकते हो। दूसरों की बातें सुनने से पहले ये ध्यान रहे तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर होने चाहिए जिसे तुम एनालाइज कर सको, ठीक है, कि कैसा एग्जाम पैटर्न आ रहा है और कैसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल इलेवन ट्वेल्थ का लो लेवल टच कर लो, और ऐसा भी नहीं कि तुम इलेवन ट्वेल्थ से उठा के तुम नेट लेवल या टीफर लेवल तक के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न देखना है तुम्हें कि पेपर पैटर्न क्या रह रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम मूव ऑन करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करोगे। काफ़ी स्पीडली प्रिपरेशन करना, दिन में एटलीस्ट 10 to 12 hours आप दे पाओ तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और इंटरव्यू के बारे में अभी मत सोचना, ठीक है, जब और ट्राई करो रिटर्न के अंदर जितने मैक्स टू मैक्स मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितने मार्क्स तुम रिटर्न के अंदर स्कोर कर लोगे तुम्हें इंटरव्यू के अंदर उतना ही कम हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है, मतलब वो बात की बात है, तुम इंटरव्यू में कितने मार्क्स लोगे, पहले रिटर्न है तो इस पर ध्यान दो, वो बिना इंटरव्यू का बोझा सोचे, और होपफुली तुम काफ़ी अच्छा ही कर रहे होगे, ठीक है, और सिलेक्शन ले रहे होगे, और इसमें तुम्हारी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, ठीक है, तुम्हारी सैलरी इसके अंदर होती है 80K के अप्रोक्स, ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। इसके तुम्हें जो भी जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, तुम्हें इसके लिए वीडियो लेक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग बैच आ जाएगा, तुम्हें इसके लिए नोट्स कंटेंट और टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट रहेगी पार्ट वाइज फुल लेंथ, तो वो तुम कमेंट में मेंशन कर देना, हम ट्राई करेंगे कि आपको जिस भी चीज़ की नीड पड़े तो फिजिक्स तड़का आपके लिए वो सारे बैचेज लेके आए, टेस्ट सीरीज लेके आए अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, ठीक है। बाकी मैंने सारा सिलेबस डिस्कस कर दिया है, पेपर पैटर्न डिस्कस कर दिया है, और इसकी एग्ज़ाम डेट तो अप्रैल के अंदर तुम अप्रोक्सीमेट मान के चलो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। और तुम 5 दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है, और उसके बाद बिना सोचे, बहुत ज़्यादा सोचे, अगर प्रिपरेशन करनी है तो अभी से स्टार्ट कर देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना मत। तुम दिसंबर की लास्ट तक सोचोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो तुम अप्रोक्सीमेट अपने 20 डेज खराब कर लोगे, और 20 डेज इतने हैं कि तुम आराम से फिजिक्स का आधा पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे जो दो पार्ट डिवाइड हैं, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, इनके तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। पार्ट 1 के अंदर तुम्हारे जो जितना पार्ट आता है, ठीक है, उसको कवर करो, सेकंड के अंदर जो फिजिक्स आती है उसकी प्रिपरेशन तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम फिजिक्स तड़का से कनेक्ट होते हो, ठीक है, जो बैचेज लॉन्च होने वाला है KVS PGT फिजिक्स का, ठीक है, तुम उसमें जब लॉन्च होते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ सेकंड के लिए तो तुम्हें कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, सिलेबस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पर फर्स्ट के लिए भी तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मुकेश सर के साथ डिस्कस कर सकते हो कि सर फर्स्ट पेपर हम कहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है, इसके अंदर हिंदी कैसे पढ़ें, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, ठीक है, मैथ रीजनिंग कैसे करें, ठीक है, कितना टाइम दें, और स्ट्रेस को, मोटिवेशन को, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें, ठीक है, ये तुम कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रहे कि तुम्हारा जो इन दोनों के अंदर जो है, जो सिलेबस है तुम्हारा, चाहे पहले पार्ट का बोलो या सेकेंड पार्ट का बोलो, वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। जैसे इसमें हिंदी इंग्लिश है, तुमने अब तक तुम MSc किया, तुमने BEd किया है, तुमने हिंदी इंग्लिश पे तुम्हारी अच्छी पकड़ होगी। फिजिक्स के अंदर भी तुमने आज तक कोई भी फिजिक्स का एग्जाम दिया है, चाहे वो लैब स्टूडेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, तो जितने तुमने टॉपिक वहाँ पढ़े हैं वो टॉपिक इसके अंदर तुम्हारे रिलेट करेंगे, ठीक है, वो तुम्हारा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यहाँ भी, ठीक है। तो तुम सिलेबस ये काफ़ी पढ़ के आए हो, ठीक है, बट तुम्हें उसको बाइंड अप करना है, अच्छे से बाइंड अप कर पाओ, ठीक है, उसकी ब्रशिंग ढंग से कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो मुझे नहीं लगता PGT फिजिक्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा डर होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, बस इतना ही आज के वीडियो के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जुड़े रहिए फिजिक्स तड़का से, और अपकमिंग बैच आ रहे होंगे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, और KVS PGT फिजिक्स का कंप्लीट बैच भी आ रहा होगा, ठीक है, थैंक यू, बाय।